लाडो चिड़िया पेट सी थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। बारिश का मौसम था। आए दिन जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी, बीच बीच में बिजली भी गिर रही थी। लाडो चिड़िया का घोंसला कमजोर था। मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है और ऊपर से बारिश का मौसम, मैं क्या करूं? सब पंछी अपने अपने घोंसले पक्के करने में लगे हैं, मैं किससे मदद मांगू? इस अवस्था में मैं कहीं उड़कर बाहर भी नहीं जा सकती। हे ऊपर वाले, बस अब तेरा सहारा है। तभी कालू कौवा लाडो चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। अरे लाडो, तुम आज की सभा में क्यों नहीं आई? मैं जल्दी अंडे देने वाली हूँ कालू भैया, और इस अवस्था में मैं कैसे आ सकती थी? आप बताइए, क्या हुआ आज की सभा में? आज मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी भी सभा में शामिल थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जोरदार बारिश के साथ साथ तूफान भी आएगा। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ लाडू चिड़िया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझे मेरे आने वाले बच्चों की चिंता है कालू भैया। मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है, अगर तूफान आएगा तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो लाडो, हम जरूर कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। इतना बोलकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। जैसा कि मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों ने कहा था, अगले ही दिन से जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बारिश तो बहुत तेज है। तभी लाडू चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। लगता है मेरा घोंसला गिरने वाला है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में आ सकती हूँ। लाडू चिड़िया घोंसले से उड़ जाती है और तेज बारिश में भीगते हुए कालू कौवे के घोंसले के बाहर आ जाती है और आवाज लगाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। अरे लाडो, तुम यहाँ कैसे? इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तेज बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया, इसलिए मैं जैसे तैसे उड़कर आपके यहाँ मदद मांगने आई हूँ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। क्या आप बारिश रुकने तक मुझे पनाह दोगे? जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं चली जाऊंगी कालू भैया। कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो ये अंडे बाहर आने तक यही रहेगी, और मुझे इसका ख्याल रखना होगा। और मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों ने भी कहा था बारिश 4-5 दिन नहीं रुकेगी, तब तक मुझे इसका दाना पानी भी खिलाना होगा, और घर में सिर्फ थोड़ा ही भोजन बचा है। अरे कालू भैया, कहाँ खो गए? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं भीग रही हूँ। लाडो मुझे माफ कर दो, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से घर में रहने की जगह नहीं है, तुम किसी और पंछी के घर जाओ। इतना बोलकर कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। लाडो चिड़िया वहां से उड़कर उल्लू पंछी के घर पर आती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। उल्लू चाचा, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। उल्लू चाचा दरवाजा खोलते हैं। अरे लाडो, इतनी बारिश में तुम यहाँ कैसे? लाडो चिड़िया उल्लू चाचा को सारी बातें बता देती है। मुझे माफ कर दो लाडो, मेरे घर चिर रहने को आई है, और मेरा घर भी छोटा है, तुम कोई और घर देखो। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा पेट तो अब ज्यादा ही दर्द कर रहा है। लाडू चिड़िया रोने लगती है। तभी उसे गुंगा मौसी की याद आती है। जैसे तैसे करके थकी हारी लाडू गुंगा मौसी के घर आ जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। गुंगा मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। गुंगा मौसी धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। अरे लाडो, इतनी तेज बारिश में तुम बाहर क्या कर रही हो? कोई परेशानी है क्या? जल्दी से अंदर आओ, नहीं तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। लाडो चिड़िया अंदर आ जाती है। क्या हुआ लाडो, अचानक यहाँ कैसे? क्या बताओ गुंगा मौसी, मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं,
आज तो बहुत तेज बारिश है, इसी में मेरा घोंसला टूट गया और इस अवस्था में मैं कालू भैया के घर मदद मांगने के लिए गई थी, लेकिन कौवा भैया के घर भी मेहमान आए थे। फिर बाद में मैं उल्लू चाचा के घर गई, उनके घर भी चील रहने को आई है। जैसे तैसे करके मैं आपके घर पर आई, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद अब अंडे बाहर आने वाले हैं। तुम चिंता मत करो लाडो, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आई, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जब तक तुम चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो, अब तुम आराम से अपने अंडे यहाँ दे सकती हो। गूंगा मौसी लाडू चिड़िया का पूरा ख्याल रखती है। दूसरे दिन लाडू चिड़िया अंडे दे देती है। कुछ दिन बाद अंडों से प्यारे प्यारे दो बच्चे बाहर आ जाते हैं। इधर लाडू अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी और गूंगा मौसी लाडू को घर बनाकर देने की सोच रही थी। ऐसे ही एक दिन गूंगा मौसी पत्ते खाने के लिए घर से बाहर आ गई, तभी उसे एक बड़ा सा पम्पकिन दिखाई दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा पम्पकिन है, मैं इसे लाड़ो के लिए घोंसला बनाऊंगी। गूंगा मौसी घर बनाने के काम में लग जाती है। तभी ऊपर से एक बुरा कौवा गूंगा मौसी को देख लेता है और उल्लू के पास चला जाता है। अरे उल्लू भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक शिकार खोजा है, वो एक गूंगा है। क्या क्या गूंगा? मेरे तो मुंह में पानी आ गया, जल्दी से दिखाओ, आइए मेरे पीछे पीछे, वो देखिए। उल्लू गूंगा मौसी पर झपटने ही वाला था, तभी अच्छा वाला कालू कौवा वहां पर आ जाता है और कहता है, थोड़े दिन के लिए मैं जंगल से बाहर क्या गया, तुम यहाँ के उसूल भूल गए? बुरे कौवे और अच्छे कौवे में झगड़ा शुरू हो जाता है और ये सब देखकर उल्लू वहां से भाग जाता है। बुरा कौवा भी मार खाकर वहां से नौ ग्यारह हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, अगर आप आज नहीं आते तो उल्लू मुझे खा जाता। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो गूंगा मौसी? मेरे घर लाडो चिड़िया रहने आई है, बारिश और तेज तूफान की वजह से बेचारी का घोंसला टूट गया। अभी कुछ दिन पहले ही उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए, मैं उसी के लिए इस पम्पकिन से घर बना रही हूँ। अब कितने अच्छे हो गूंगा मौसी, लाडो मेरे पास मदद मांगने आई थी लेकिन मैंने उससे झूठ कहा, अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। मुझे अकेले घर बनाने में वक्त लग जाएगा, तुम एक काम करो, घर बनाने में मेरी मदद करो, हम दोनों मिलकर लाड़ो को सरप्राइज देंगे। हाँ हाँ, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। कालू कौवा और गूंगा मौसी मिलकर लाड़ो के लिए पम्पकिन से एक सुंदर और मजबूत घर बना देते हैं। कालू कौवा अपने घर लौट जाता है और गूंगा मौसी भी धीरे धीरे घर पर लौट आती है। अरे गूंगा मौसी, अब कहाँ चली गई थी? मैं यहाँ थी बाहर, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं बाहर पत्ते खाने के लिए गई थी। मुझे आपको थैंक यू कहना था गूंगा मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो न जाने मेरे बच्चों का क्या होता। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? अरे लाडो कोई बात नहीं है, ये तो मेरा सोच था, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी मदद करके। चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरा घोंसला फिर से बनाना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकती हो लाडो। नहीं नहीं गूंगा मौसी, आपने मेरे और मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ किया है, ये बहुत है, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है लाडो, लेकिन जाते जाते एक काम करो, घर के बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो साथ लेते जाना। जैसे ही लाडो चिड़िया बाहर जाकर देखती है, उसे एक पम्पकिन से बना हुआ घर दिखाई देता है। लाडो चिड़िया घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है, तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। गूंगा मौसी भी धीरे धीरे घर के बाहर आ जाती है। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा है, हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए ये घर बनाया है, अंदर से भी ये बहुत मजबूत है, अब कितनी भी बारिश आ जाए
ये घर नहीं टूटेगा। लाडो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी मदद नहीं की। मेरे घर कोई मेहमान नहीं आए थे, मैंने तुमसे झूठ कहा। कोई बात नहीं कालू भैया, गूंगा मौसी ने मेरी बहुत मदद की और इस घर के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कालू कौवा लाडो चिड़िया के नए घर को पेड़ पर रख देता है। फिर लाडो चिड़िया अपने प्यारे बच्चों के साथ खुशी से जिंदगी बिताती है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमको कमेंट्स में जरूर बताइए।